وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأمعاء في بجبي هوكاي والمتوجين هوي اسباس تيكنجفاس هيك نبينا آية وما يدري يدريك لعله يزكى أبكوكا خبر शायद नबीना आपकी तालीम से पूरे तौर पर संवर जाता और फ़तन फ़ाज्रा या किसी ख़ास मामले में नसीहत कबूल करता इसको नसीहत करना कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँचाता तो हब्ल का फ़तन फ़ाज़िक हो गए मुतवजह न हुई इस बात से कि इनके पास एक नबीना आया आपको क्या ख़बर शायद ये नबीना आपकी तालीम से पूरे तौर पे संवर जाता या किसी ख़ास मामले में नसीहत कबूल करता सो इसको नसीहत करना कुछ न कुछ नफ़ा पहुँचाता अमस्त तो जोश्दीन से बेपरवाही करता है फंतनु तसदा आप इसकी फ़िक्र में पढ़ते हैं वबारी काज का हालांकि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि वो न खोरे अब्मा व अब्मा जहा कैसा जो शस्दीन के शौक़ में डरता हुआ आता है वामा मन जा का यसरा वक्शा जो दीन के शौक में डरता हुआ आता है वो खुदा से डरता है ख़ान्तान व मन जा कर साक्शा दिन के शौक़ में दौड़ता हुआ आता है वो खुदा से डरता है खानतान व तरह आप इससे बेअनाई करते हैं आप ऐसा हरगिज ऐसा ना कीजिए कल्ला आयदा आप हरगर्ज़ ऐसा ना कीजिए कुरान तो बाद एक नसीहत की चीज़ है तो जिसका जी चाहे इसको कबूल कर ले ये हबस है और इसका एक ख़ास पसे मंजर भी है जब यह नाजिल हुई तो इसका एक ख़ास पीछे एक वाक्य एक पस मंजर भी है अल्लाह के नबी सल आसम की चाहत होती थी, थी कि ये सरदारान कैश कभी तो बात सुन ले कोई इनके दिल में बात उतर जाए अब उनके बड़े पे और उनके लिए बड़ा फिक्रमंद रहते थे और इस ख्याल होता था कि इनमें से एक मानता है तो इसके माता है तो कई लोग के लिए इस्लाम का हिदायत का रास्ता खुलेगा अल्लाह के शान एक दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसा मौका मिल गया कि ये आपके पास आ गए इतने में एक नवीन और सहावी अब्दुल्लाब्र मखतूब आ गए और उन्होंने आपसे आने की इजाजत तलब की आपका यह ख्याल था ये तो अपने ही है आता ही रहता है ये कभी कभी हाथ में आते हैं तो आपके पेशानी पे बल आ गए छिन बजा भी हो और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और आप इन्हीं की तरफ वतवजह रहे, कि ये लोग हाथ नहीं आते आज हाथ आ गए हैं और इनको दीन की तरफ भी नहीं है इनके अंदर तलब पैदा की जाए और ये तो अपने ही है इसके अंदर तो वैसी तलब और शौक़ है ये तो अभी नहीं तो किसी और मौक़े पे मजलिस में आ जाएंगे तो ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसीहत तो फरमाई कि जो नबीना है ना ये क्या पता आपकी बात सुनकर पूरे तौर पे संवर जाता या किसी ख़ास मामले में आपकी नसीहत कबूल करता इसलिए ये तो तलब लेके आया है और ये दीन का शौक लेके आया है और इसी शौक में दौड़ता हुआ आया है अल्लाह से डर रखता है और इसी की फिक्र में आपके पास आया है और जो दूसरे लोग हैं उन्हें तो दीन की ही नहीं उन्हें तो दीन की परवाह ही नहीं और जिन्हें दीन की परवाह नहीं है अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप पर इल्जाम भी नहीं है लेकिन जो आपके पास तलब लेके आया है उसका हक तो ज्यादा है, उसका हक तो ज्यादा है और उसकी तरफ तो आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ये जो शख्स आया है लोग बैठे हैं इनको तो परवाह परवाही दीन की ये तो दीन के मामले में बड़ी बेअतनाई करते तो सबक मिलता है कि जिस शख्स के दिल में दीन की तलब हो जाए उस पर अल्लाह की रहमत मुतवज हो जाती देखो ना उसकी सफारिश अल्लाह भी कर रहे उसकी सफारिश अल्लाह भी कर रहे हैं जिस शख्स के दिल में अल्लाह के दीन की तलब पैदा हो जाए दुनिया है ना दुनिया ये बे अल्लाह बेतलबों को भी दे देता जिसमें तलब ना उसको भी मिलता बहुत नालायक बेटा है बाप मालदार था बाप के मरते ही बेटा मालदार हो गया ना बावजूद के नालायक है किसी काम का नहीं मालदार हो गया बाप जागीरदार का बेटे नालायक बाप के मरते हुए बेटे जागीरदार हो गए वो बगैर तलब की भी दौलत मिल जाती है नालायकों को भी मिल जाती है लेकिन यह हदायत अल्लाह के खजाने की वो दौलत है जो न कदरों को नहीं मिलती है। ये अल्लाह के खजाने का वो सरमाया ये कसे लाके इसको नहीं मिलता ये तो उन्ही खुश नसीबों को मिलती है जिनके दिल के अंदर इसकी फिकर इसकी तलब इसकी चाहत पैदा हो जाए और जो लोग इस दौलत की कदर नहीं करते मरने से पहले अल्लाह ये दौलत उनसे छीन भी लेते ये ऐसी गिरी पड़ी चीज नहीं है दौलत तो अल्लाह दोस्तों को भी देता है दुश्मनों को भी देता है अपनों को भी देता है बेगानों को भी देता है इंसाफ बदारों के पास भी होती, है, और इंसाफ के पास भी होती है। लेकिन हिदायत की जिंदगी सिर्फ अल्लाह के प्यारों के पास होती तो हजूर ने यह सलाह तो उम्मत को नसीहत फरमाई की तलब बड़ी चीज है देखो तलब करने रखने वाले के लिए तो अल्लाह भी सफारिश कर रहे हैं भी कर। और जिनके दिलों में तलब नहीं है अल्लाह को उनकी परवाह भी नहीं अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप पर इल्जाम भी कोई नहीं है आप पर उनकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है तलब लेके आया है इसका ख्याल रखो तो ये बड़ी दौलत है अल्लाह ताला हमारे दिल में दीन की सच्ची तलब पैदा अल्लाह यह इमिब अल्लाह हिदायत का नूर उसे अता फरमाते हैं जिसके दिल के अंदर इनाबत होती है रुजू होता है तलब होती है अल्लाह ताला हिदायत का नूर उसे नसीब फरमाते हैं जिसके दिल में तलब होती है हिदायत का नूर होता है हमेशा हम अपने बच्चों को बच्चियों को ऐसा माहौल दें जहाँ तलब पैदा हो जब तलब पैदा हो गई भाई पानी की तलब हो गई तो पानी तो मिल ही जाएगा भूख पैदा हो जाए तो खाना मिल ही जाएगा आदमी तलाश कर लेता है सच्ची बात यह है कि हिदायत की सच्ची तलब पैदा हो जाए हाँ? तो हिदायत वाले मिल जाया करते हैं हाँ हैं कहाँ जाए भाई सच कहाँ है हक कहाँ है हिदायत वाले रहे कहाँ है अरे मिया सच्ची प्यास हो तो पानी मिल जाया करता है सच्ची भूख हो तो खाना मिल जाया करता है अंदर सच्ची तलब हो तो हिदायत वाले भी मिल जाएंगे सच्चे लोग भी मिल जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को ऐसा माहौल अपनी जिंदगियों का ऐसा माहौल बनाइए है ताकि ये तलब पैदा रहे ये फिक्र पैदा रहे जो लापरवाही है ना ये जो लापरवाही है जो ये जो इस्तेमाल है दीन से परवाही नहीं है और इसके तलब ही नहीं है ये हलाकत की चीज ये बर्बादी की चीज चाहे मुसलमानों के घरों में औलादे पैदा हो लेकिन न कदरें होंगे नहीं रहेगी और में पैदा हो काफरों के हाथ पैदा हो और अल्लाह उनके दिलों में तलब पैदा कर दे उन्हें हिदायत मिल जाती उन्हें हिदायत का नूर मिल जाता उन्हें हिदायत का नूर मिल जाता बिलाल हफर से आए तो गुलामीत के दाग लगे बार बार बिकते बिकाते हुए आए सुबह हिदायत का नूर मिल गया सरदार बन गए फरमाया करते थे गएरमाया अबू बकर सईदना अबू बकर हमारे सरदार है वका सईदना और उन्होंने हमारे सरदार को आज़ाद किया है सुबह बिलाल भी हमारे सरदार अबू बकर हमारे सरदार है और उन्होंने हमारे सरदार को आज़ाद किया वहा तक सईदना बिलाल से और रंग के काले मोटे मोटे मोटे, मोटे होट गुलामीत के दाल ईमान ले आए तलब सच्ची थी चच्चा है कुरैशी है सरदार है सुरुख है सुरुख जो कहते अंगारा है अंगारा इसकी गालों से तो अंगारे की तरह रोशनी फूट रही है चच्चा है सरदार है कुरैशी है अबू लहाब अबू लहाब मरदूद हो गए हलाक हो गए तलब नहीं है तलब नहीं कुछ नहीं मिला ना मुराद हो गए, तो तलब अल्लाह नसीब फरमा दे और रहते जिंदगी तक अल्लाह इस दीन की और जैद की कदर नसीब फरमा दे ये उम्मीद है कि अल्लाह खात्मा इसमें फरमाएंगे अल्लाह ताला हमारा खात्मा इस, फरमाएंगे, ताला थाला 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 इस पर फरमाएंगे अल्लाह हमेशा इस दौलत पर शुक्रगुजारी नसीब फरमाए कदर नसीब फरमाए اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله خلهم آه إنا ذكريك وشكريك اللهم أعنا آه على ذكرك وشكرك وحسني عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين